वेलकम टू प्रांशी एकेडमी। लास्ट टाइम हमने रीजनिंग के अंदर कोडेड इनइक्वालिटीज के वीडियोस देखे, होप सो उसमें सारे आपके कंटेंट्स क्लियर हो गए होंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। और आपको जो प्रीवियस पेपर सेट दिया गया है उसी को अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसमें स्पीड भी आ जाएगी और एक्यूरेसी भी आपको आ जाएगी। अब उसी सब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि उसी रीजनिंग के अंदर, आज एक और नया कंटेंट लेते हैं सिलॉक्स का। हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे कंटेंट लेते जाते हैं जो आपको इजीली एग्जाम में फुल मार्क्स दे सकता है। जैसे कोडेड इनइक्वालिटीज में बात की थी कि वो 5 मार्क्स का आता है, वैसे ही ये सिलॉक्स भी तकरीबन 5 मार्क्स का आता है, जिसपे आप इजीली मैक्स टू मैक्स मार्क्स कवर कर सकते हो और वो भी विद इन अ टाइम लिमिट। अब इस कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत तरीके से लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल मान लो कि सम, ऑल और नो के जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं उसको कुछ लोग सम को आई एज्यूम करते हैं, ऑल के स्टेटमेंट को ए एज्यूम करते हैं, मतलब कि आई प्लस ए इक्वल्स टू आई, आई प्लस ई इक्वल्स टू ओ, ऐसा कुछ कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं। कई लोग इसको वेन डायग्राम मान के चलते हैं, मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से चलते हैं। बट हम यहाँ पे ना ही कोई आई और ए की मेथड यूज करेंगे, ना ही कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि कोई वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल कंसेप्ट के हिसाब से सोचते चलेंगे कि किस चीज को हम क्या कह सकते हैं, और उसी कंसेप्ट के हिसाब से हम उसको सॉल्व करते चलेंगे। रेडी? तो आज हम यहाँ पे स्टार्टअप ले लेते हैं इसका, सिलॉक्स का। बट सबसे पहले उसका कंसेप्ट देखते हैं कि किस चीज के अंदर आपका कंसेप्ट क्या रहना चाहिए, किस स्टेटमेंट को आपको क्या समझना है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात समझिएगा, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से कंक्लूजन क्या होना चाहिए, अगर वो चीज पता चल जाती है तो कोई डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आई और ए किसी को एज्यूम करने की जरूरत है। क्लियर? चलिए सबसे पहले मेन कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो जनरली स्टेटमेंट्स आपको जो दिए जाते हैं वो 3 तरीके से दिए जाते हैं। एक सम का दिया जाता है, दूसरा ऑल का दिया जाता है, और तीसरा होता है नो का। सम, ऑल और नो, इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं होता है, चाहे इसकी जगह पे कोई भी वर्ड यूज किया जाए। रेडी? चलिए तो आज हम बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं कि किस चीज में किस तरीके का चेंज होना चाहिए। चलिए सबसे पहले सम, सम को आप क्या बोल सकते हो आपकी भाषा में? थोड़ा बोल सकते हो, बराबर, मतलब कि थोड़ा कुछ है। चलिए एक सिंपल सी बात हम समझते हैं, अगर एक ग्लास दिया जाता है पानी का जिसमें आपको थोड़ा सा ही पानी दिया हो, आप कहीं पे किसी के भी घर पे जाते हो, अगर आपको वो पानी ऑफर करता है तो आप क्या बोलते हो? अगर जरूरत नहीं है फिर भी उनका मान रखने के लिए आप कुछ ऐसा बोलते हो कि आधा ग्लास दे दो। तो जब वो आपको आधा ग्लास पानी देते हैं तब आप 2 तरीके से सोच सकते हो। सबसे पहली बात, आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है तो दूसरा ये भी तो कह सकते हो कि आधा ग्लास पानी से खाली है। क्लियर? बात समझ रहे हो मेरी? सबसे पहले समझिएगा, आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ? आधा ग्लास पानी से खाली ही है, बराबर। तो उसको आप इन दोनों चीजों से बोल सकते हो कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, आधा ग्लास पानी नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा ही पानी है, थोड़ा पानी नहीं है। अगर इसी स्टेप को मैं ऑल में ले जाऊं, उसी ग्लास ऑफ वाटर में मैं आपको पूरा ग्लास दे देता हूं, तो आपने जो ऊपर सोचा सम में कि थोड़ा सा ही पानी है, तो आप ये चीज इसके अंदर सोच पाओगे इसकी कंपैरिजन के हिसाब में?
नहीं, आप क्या सोच सकते हो सीधा कि पूरा पानी भरा हुआ है, ऑल मतलब कि पूरे का पूरा उसके अंदर आ चुका है। दूसरा, हम क्लास के हिसाब से सोचते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब जब स्कूल खुलती है तब क्लास पूरा भरा हुआ होता है, बराबर, मतलब कि 70 बच्चे हो, बराबर, तो उसमें से 2-3 एब्सेंट हो सकते हैं, तो ये थोड़ी ना बोला जा सकता है कि थोड़े से ही स्टूडेंट आए हैं। वो इंटरप्रेट करने में भी एक डिफरेंस होता है। अगर उसमें 40-50 बच्चे एब्सेंट होते हैं तभी ये बोला जाता है कि थोड़े से ही बच्चे हैं, अदरवाइज क्या बोला जाता है कि पूरा क्लास भरा हुआ है। रेडी, तीसरा कंसेप्ट लेते हैं, नो मान के चलते हैं, मतलब कि उसी ग्लास ऑफ वाटर में आपको खाली ग्लास दिया जाए, मतलब पानी है ही नहीं, आपको खाली ग्लास दिया जाए मतलब क्या बनेगा, पानी है ही नहीं, इसीलिए उसको नो का कंसेप्ट दिया गया है, बराबर, मतलब कि है ही नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। रेडी, ओके, अब इसको डिटेल में मान के चलते हैं। आपको जो सिलेबस पूछे जाते हैं उसमें कोई ग्लास ऑफ वाटर का तो कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बराबर, आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट किस तरीके से दिया जाता है, हम वो देखते हैं, बराबर। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ उसका कंसेप्ट ही देखना है, स्टेटमेंट के हिसाब से सोच के चलेंगे कि अपना कंक्लूजन क्या होना चाहिए, बाकी जो भी प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं हम लोग, बराबर। चलो मैं सबसे पहले यहां पे मान के चलता हूं, सम पेन्स आर पेंसिल्स, एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, ये आपके स्टेटमेंट है। इस साइड पे मैं हर एक के कंक्लूजन लूंगा। चलिए, यहां पे मुझे दिया जाता है कंक्लूजन में सम पेन आर इरेजर्स, और दूसरा दिया जाता है सम इरेजर्स आर पेंसिल्स। रेडी, चलिए अब सबसे पहली चीज ये मान के चलो, सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर इरेजर्स। अब आप ये सब कंसेप्ट भूल जाओ, हमें जो चलना है वो टोटली प्रैक्टिकल कंसेप्ट के हिसाब से चलना है। रेडी, ओके, आप इस सम को एक ब्रिज मान के चलो जो टूटा हुआ है, अदरवाइज सिंपली इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, बराबर, अगर आप किसी को कसम दोगे कि तूने अगर ये किया तो तुझे मेरी कसम, या फिर एक गुजराती लैंग्वेज में बोला जाता है कि जो ते आओ कहीं पर करियो ने तो तने मारा सम छे, इसीलिए वहां पे ये कहा जाता है कि अगर किसी की कसम देते हो तो वो कुछ भी काम नहीं करता है, वो रुक जाता है। जैसे गुजराती में बोलते हैं ना कि जो त्याग कहीं पर कहूं छे तो तने मारा सम छे, मतलब कि जो सम आपो छो ने तो ये रोक ही जाए छे, वो रुक जाता है, वो आगे कुछ भी काम करेगा नहीं। मतलब कि यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आपके दोनों सब्जेक्ट भले ही सेम हो, ऊपर के स्टेटमेंट का लास्ट सब्जेक्ट, दूसरे का फर्स्ट सब्जेक्ट, दोनों आपके सेम होने चाहिए, पर अगर आगे सम दिया जाता है ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मतलब कि आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है पता है, कि ये पेंसिल पेंसिल कट हो जाता है और डायरेक्टली बन जाता है सम पेंस आर इरेजर्स। फिर से समझिएगा, अगर ये खिसक जाता है, अगर इससे आगे चल सकते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट कट हो जाते हैं और बन जाता है आंसर सम पेंस आर इरेजर्स। अब देखिए, आपको सम पेंस आर इरेजर्स दिया हुआ है, पर ये पॉसिबिलिटी आपकी कब बन पाती, जब आप यहां से आगे जा सकते थे, पर आगे यहां पे जा नहीं सकते हो तो क्या हो जाएगा, सम पेंस आर इरेजर कट हो जाएगा, मतलब कि अपना वो कंक्लूजन गलत ही है।
अब दूसरा सम इरेजर आर पेंसिल, चलो सम पेंसिल आर इरेजर बोला हुआ है तो इसी चीज को उल्टा बोला हुआ है कि सम इरेजर्स आर पेंसिल्स, तो वो तो सही है ना, बराबर। मतलब कि यहां पे आप एक ही चीज याद रखिएगा, सम के अंदर आप ये कंसेप्ट भी भूल जाइए अभी के तौर पे, सम में आपको यही याद रखना है जो स्टेटमेंट दिया हुआ हो वही कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए। फिर से समझिएगा, सम के अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ही कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए, नथिंग एल्स, बात खत्म। रेडी, क्लियर? फिर से समझिएगा, सम के अंदर आप ये सब्जेक्ट ऊपर कट नहीं कर सकते हो। रेडी? ओके, तब आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि सम स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ही आपका कंक्लूजन होना चाहिए, बराबर। मतलब कि वो सब्जेक्ट आगे पीछे हो उसका कोई मतलब नहीं, बराबर। पेन सार इरेजर हो या इरेजर आर पेन हो, वो दोनों चीजें एक ही कहलाएगी आपके लिए। रेडी, क्लियर? ओके, सम के बाद हम चलते हैं ऑल में, सेम रखते हैं, ऑल पेन सार पेंसिल, ऑल पेंसिल सार इरेजर्स, ये अपने स्टेटमेंट्स थे। अब हम कंक्लूजन में चले जाते हैं, सम पेन सार पेंसिल्स, सम पेन सार इरेजर्स Some pencils are erasers and all pens are erasers। चलिए अब इसके अंदर समझिए all के अंदर क्या रहेगा आपका concept। All pens are pencils, all pencils are erasers। इसमें मैं सिंपल से लॉजिक के हिसाब से ही बात करूंगा। ऑल का जब कंसेप्ट आपको दिया जाता है ना, तब कोई भी कंडीशन हो सम राइट ही बनता है। रट्टा मार लेना है इसको, फिर से समझिएगा। ऑल अगर स्टेटमेंट में दिया जाता है, बराबर, मतलब फिर से समझिएगा, सारे स्टेटमेंट आपके ऑल के होने चाहिए, तब सम वाला राइट ही बनेगा। सिंपल सा कंसेप्ट, क्यों? ऑल मतलब कि जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल दिया था, क्लास पूरा भरा हुआ है तो हम उसमें ये बोल सकते हैं थोड़े से बच्चे क्लास में है ही, सिंपल सी बात है। बट जब थोड़ा सा दिया जाता है कि थोड़े से बच्चे क्लास में है, तब ये नहीं बोल सकते कि क्लास पूरे का पूरा भरा हुआ है, इसीलिए ये कॉन्ट्रोवर्सी उसके अंदर रहेगी। चलो, सब सम वाले राइट ही होंगे, बट उसी के अंदर ऑल वाला कंक्लूजन कब राइट बनेगा, अब उसके हिसाब से चलते हैं। चलिए, सबसे पहले ये दोनों सब्जेक्ट सेम है, बट कब कट हो सकते हैं? जब ऑल दिया जाता है, मतलब वो सम वाली जो बात की कसम, बराबर, कि तुझे मेरी कसम अगर ये तूने किया तो वहां पे तो आपको अटक जाना है, बराबर। अगर किसी ने आपको किसी की कसम दे दी तो आप वहां पे अटक जाओगे। अब कसम की जगह पे दूसरा ये ऑल वर्ड आता है, ये वर्ड दिया जाता है, बराबर, तो ये सब्जेक्ट अपने ओपनली कट हो जाएंगे। तब क्या हो सकता है, ये इरेजर ये कट होके ऊपर आ सकता है, मतलब ऑल पेन सार इरेजर्स बन जाता है ऑटोमेटिकली। रेडी? एक ये कंसेप्ट। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब आपको सारे सब्जेक्ट सारे स्टेटमेंट ऑल के दिए जाते हैं, तब कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना आपको, वो फर्स्ट वन वाला फर्स्ट पोजीशन पे ही होना चाहिए, मतलब पेंस फर्स्ट पोजीशन पे ही है, बराबर। दूसरी पोजीशन मतलब ये पेंसिल, सेकंड वन पोजीशन इरेजर, तो इरेजर नीचे दिया हुआ है, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है, बट सेकंड सब्जेक्ट पर, सेकंड पोजीशन पे दिया हुआ है।
दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को सुसाइड करना है तो वो नीचे जंप लगाएगा तो ही वो सुसाइड कर सकता है, नीचे से कभी वो ऊपर जंप लगा के सुसाइड कर सकता है नहीं। तो क्या कह सकते हैं इसके अंदर, अगर ऑल का आंसर निकालना है आपको तो ऊपर से नीचे देखिए, ऊपर से नीचे देखिए, आपको खुद ब खुद वो आंसर मिल जाएगा। मतलब कि ऑल पेन सार इरेजर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। रेडी, क्लियर, क्लियर यहां तक। अब तीसरा कंसेप्ट मैं ले लेता हूं नो वाला। चलिए, नो पेन इज पेंसिल, नो पेंसिल इज इरेजर। अब एक बात समझिए, जब मैं नो की बात कर रहा हूं और कंक्लूजन में सम या ऑल देता हूं, सिंपल सा समझिएगा, जब मैं नो की बात कर रहा हूं कि नो पेन इज पेंसिल, जो पेन है उसको पेंसिल से कोई लेना देना ही नहीं है, तो थोड़ा या बहुत कुछ कभी भी बनेगा ही नहीं ना, बराबर। एक सिंपल सी बात फिर से समझो, नो स्टेटमेंट, नो पेन इज पेंसिल, जो पेन है वो पेंसिल है ही नहीं, आप मेरे घर पे आओगे ही नहीं तो मेरा खर्चा बढ़ेगा ही कैसे, बराबर। आप मेरे घर पे आओगे ही नहीं तो मैं आपको पानी भी नहीं दूंगा, बराबर। मतलब कि सम या ऑल कोई भी कंक्लूजन मेरा कभी भी बनेगा ही नहीं, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर, सॉरी, क्लियर, कोई डाउट यहां तक? मतलब आप सिंपल से अब यहां तक समझ चुके होंगे कि हमें कोई भी वेन डायग्राम में भी नहीं जाना है, बराबर, ना ही कोई आई और ए की कंडीशन में जाना है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली इस हिसाब से अगर हम सोच के चलते हैं तो हमें 110% किसी भी क्वेश्चन का आंसर विद इन टाइम लिमिट मिल सकता है। ओके, तो हम इस लेक्चर के अंदर यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं इसके क्वेश्चन सेट के साथ। Thank you.